हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट, 11th बायो के स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायो स्कूल बायो स्टूडेंट्स, चैनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, इट इज एंजाइम। ओके, एंजाइम इट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एज यू नो कि हमारी यूनिट नंबर 3 जो है रनिंग है, यूनिट नंबर 3 चल रही है, इसमें कि हमारा चैप्टर जो है 9 हमारा चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? ठीक है, एंजाइम क्या है ये हमें समझना है। एंजाइम इट इज अ बायोलॉजिकल बायोकेटेलाइस्ट। एंजाइम बायोकेटेलाइस्ट होते हैं। ठीक है, बायोकेटेलाइस्ट होते हैं। द एंजाइम इज एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो एंजाइम्स होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि उनको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, या जो रिएक्शंस होती हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस उनको तेज करते हैं, तीव्र करते हैं। ओके, तो एंजाइम्स होते हैं हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और उनको कंप्लीट करने का काम करते हैं। विदाउट एंजाइम द एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नॉट कंप्लीटेड। बिना एंजाइम्स के द्वारा कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड बाय हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। सभी बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में और सभी ऑर्गेन्स की बॉडी में होती है, वो एंजाइम्स की हेल्प से ही कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, इसीलिए से हम कहेंगे बायोकेटेलाइज्ड। ओके, और ये लिविंग सेल के अंदर ही क्या होते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। एंजाइम फंक्शनिंग इन द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल जीवित सेल के अंदर ही काम करते हैं। ओके, एंड इट सेल आल्सो इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में वर्क करते हैं। ठीक है, एंड हमारे बॉडी में वर्क करते हैं सेल। एंजाइम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को डब्ल्यू पुने जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1878 में एंजाइम जो नाम था उसे पॉइंट किया और उसे हमने प्रपोज किया और एंजाइम नाम दिया। ओके, इसके बाद जो एडवर्ड कुचनर, उन्होंने 1907 में क्या किया, जो एंजाइम था उसे क्या किया, प्राप्त किया, मतलब कि जायवेज एंजाइम को यीस्ट सेल्स के थ्रू जो है प्राप्त करके एक एंजाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया या उससे प्राप्त किया। बाद में बहुत सारे एंजाइम्स क्या हुए, बनाए गए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम के अकॉर्डिंग जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एंजाइम कोलाइड्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं, एंजाइम एक्टिवेट ऑन द टेम्परेचर टेम्परेचर जो एंजाइम होते हैं वो 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एंजाइम 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। और मोस्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ये एक क्या है, क्रिटिकल या बहुत ही अच्छा टेम्परेचर, जिसमें वो जो है टेम्परेचर का इससे टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क कर सकते हैं। ओके, हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, एक तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वो अपना फंक्शन में वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर के बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड